हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। छात्रों, आज हम बात करेंगे समांतर माध्य की। समांतर माध्य क्या होता है और इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बिना किसी किताबी ज्ञान के, बिना कुछ सीखे, सबसे पहले आप ये जान लो, समांतर माध्य का मतलब होता है जो बीच में संख्या है वो समांतर माध्य होता है। जैसे एक से लेकर पाँच तक की अगर हम संख्याओं का समांतर माध्य बोलें तो तीन होगा। कैसे तीन होगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो आप सभी बच्चे। जैसे अगर एक से पाँच मैंने बोला तो आप ऐसे लिखोगे, एक दो तीन चार पाँच। तो इसमें सबसे मध्य में कौन है? देखो इधर तीन के दो गिनती इधर है और तीन के दो गिनती इधर है, यानी बीच में ये है। तो तीन क्या हो गया? समांतर माध्य हो गया। ये बिना कुछ सीखे समझे आप जान गए। लेकिन ये हर जगह तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं कहीं मान लो चार ही गिनती है तो समांतर माध्य क्या होगा, कहीं कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा दिया है तो समांतर माध्य क्या होगा, कहीं कहीं बड़े उलझे हुए आंकड़े होते हैं, डेटा अजीब सा होता है, तो उसमें नहीं हो पाता ये कंडीशन। तो चलिए फिलहाल हम थोड़ा बहुत बेसिक सीखते हैं। इसका एक सूत्र होता है, मास्टर सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। तो अगर हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग अपना ये पाँच संख्या वाला निकालें जो अभी अभी आप देखे हो, तो एक दो तीन चार पाँच सबको जोड़ दें और टोटल ये पाँच संख्याएं हैं, इसलिए बटे पाँच कर देंगे, कुल पदों की संख्या मतलब यही होता है। सबको जोड़ लें भैया, तो एक दो ये तीन, तीन छः चार दस पाँच पंद्रह होगा और पंद्रह को पाँच से भाग करेंगे तीन आएगा। देखो आएगा उत्तर वही। तो ये हो गया सूत्र का तरीका, सिस्टमेटिक हो गया, जो मैथमेटिक्स के रूल से है, वो तो हम ऐसे बताए थे अपने दिमाग से। उसके अलावा कुछ ऐसे भी सवाल उलझा के आपसे पूछ लिए जाते हैं जो जनरल नॉलेज से संबंधित होते हैं। पूछा तो समांतर माध्य है लेकिन इसमें इनडायरेक्ट रूप से आपको सम संख्या भी आनी चाहिए, जब तक सम संख्या नहीं आएगी तब तक समांतर माध्य नहीं आएगा। तो भैया प्रथम पांच सम संख्या क्या होगी? सम संख्या आप जानते हो कहाँ से शुरू होती है, वो संख्या जिनका लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्या कहलाती है, लेकिन शून्य ना सम है ना विषम है। तो प्रथम पाँच अगर सम संख्या की बात करें तो दो हो जाएगा पहली सम संख्या, फिर चार और तीसरी छः, चौथी आठ, पाँचवीं दस। ये प्रथम क्या है? पांच सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10। हाँ पांच है इसलिए पांच से भाग करोगे, इनका समांतर माध्य करना भैया कर लो। 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30 बटा का करोगे, कर लो 5 बराबर 6, यानी इनका समांतर माध्य 6 आ गया। इस तरह से बहुत से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, सवाल आप बना सकते हैं, इनको आप कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जिसमें बारंबारता आपको दी होती है, उसमें समांतर माध्य पूछा जाता है, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। और कुछ सवाल बड़े बड़े कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उनको कैसे करोगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो आप सवाल पहले इसको नोट कर लो जो मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, उसके बाद हम आगे कुछ सवाल आपको बोलेंगे, चूँकि हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, आप उनको लिख लेना, मैं दो बार बोलूँगा, आपका कान सही होगा सुनने लायक तो आप सुन लेंगे ज़रूर। और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। चलो फिर अब मैं सवाल बोलूँगा, आप लोग लिखो और मुझे जो ज़रूरत है मैं उसको लिखूँगा, ठीक है? तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को YouTube पे डेमो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर आपने इस वीडियो को प्राइम कोर्स के अंतर्गत देखा है तो आप नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें, आपको तो सारा कोर्स मिल गया होगा। लिखो क्वेश्चन, कक्षा के कुछ विद्यार्थी यहाँ पे दिए गए हैं, यही सवाल हम बार बार करवाते हैं जिससे बच्चों को मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे कहेंगे वही एक ही सवाल बार बार करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि बच्चे अगर बार बार देखेंगे तो उनका मतलब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कैसे करना है, बाकी आप सवाल खुद से बदल सकते हो। क्वेश्चन आप लिखो, कक्षा के जो मैं लिख रहा हूँ वो मत लिखना, कक्षा के 10 विद्यार्थियों के भार क्रमशः, 10 विद्यार्थियों के भार क्रमशः, कक्षा के 10 विद्यार्थियों के भार क्रमशः, लिखो भैया 10 विद्यार्थियों के भार क्रमशः। अब मैं क्रमशः के आगे लिख रहा हूँ इन गिनती को, आप भी इनको लिखो क्रमशः 56, 42, 4040 और 3038 एंड 52, 48 और इसमें एक सवाल दिया गया भैया 45 एंड अगेन 45 एंड 44 एंड 4040 है। ध्यान से लिखो, कक्षा के 10 विद्यार्थियों के भार क्रमशः 56 किलो, 42 किलो, 40 किलो है। हाँ 40 दो बार दिया है और भी 45 भी दो बार है।
कह रहा है कि इनके बाहर का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इनके बाहर का अर्थमेटिक मीन ज्ञात कीजिए। तो भैया फार्मूला लगा दो, समांतर माध्य बराबर, लेकिन उसके पहले इसमें थोड़ी सी हमें चेंजिंग करना है। वो चेंजिंग क्या करना है, फिलहाल अगर आप कर लो तो ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, चलो जाने दो, कोई चेंजिंग नहीं करना है। लिखो समांतर माध्य बराबर, आप लिखो नीचे समांतर माध्य बराबर, भाई हल लिख लो, यहाँ पे हल लिख लो, फिर लिखो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अभी फार्मूला आपने देखा था, कुल पदों का योग मतलब इनको जोड़ना है भैया, जोड़ लो 56 प्लस 42 प्लस 4040 प्लस 3038 प्लस 52 प्लस 48। देखो 4 दो तरह का बनता है, इसलिए मैं कहीं अलग बनाता हूँ कहीं अलग, तो कन्फ्यूज मत हो ना। हाँ ये 4 दो तरह बनता है, एक ऐसे बनता है एक 4 ऐसे बनता है, तो आप कैसे बनाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लो हो गया, कुल पदों का योग हो गया, चूंकि कह रहा है कि कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं इसलिए हमें पता है कि ये 10 हैं, नीचे लिख लो चाहे ऐसे कर लो। उसके बाद इनको आप जोड़ोगे, जोड़ आपका तेज होना चाहिए। जोड़ोगे कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एग्जाम में तो आप वो लेके नहीं जा पाओगे कैलकुलेटर, तो इतनी बड़ी कहानी आप जोड़ोगे कैसे, अगर गलत कर दोगे एक भी अक्षर तो सारा उत्तर गलत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखो तो सभी गिनती दो दो अंक में है, सभी दो दो में है, कोई तीन अंक में नहीं है। आप एक गिनती पकड़ोगे पीछे से और सभी का पहले लास्ट अंक जोड़ोगे, जैसे इसमें 4040 में लास्ट में 0 है, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, लास्ट का 1 डिजिट जोड़ना। चलो 0 में 5 जोड़ोगे 5 रहेगा, 5 में 5 10, 10 में ये जोड़ोगे 8, तो भैया 10 8 18 हो जाएगा, मतलब 18 18 तो 20 20 मतलब 20 हाँ, और ये 28 पाँच पाँच 10 8 18 तो 20 8 28 और ये 0 जोड़ लो 28 में, तब भी 28 ही रहेगा, 28 और 30 6 36 कितना हो गया भैया, ये आपका हो गया बाबू 36, लेकिन हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, 52 42 40 38 52 52 नहीं था भैया, एक 56 था ना, मतलब देखो एक तरफ से ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो एक नंबर यहाँ पे छूट गया भैया, इस वजह से गड़बड़ हो रहा था। देखो 44 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये लास्ट में आपका 44 होगा, ये मैंने जल्दी की वजह में गड़बड़वा दिया, ये 4040, मतलब यही चीज़ तो हमें ध्यान देना है, एक भी गिनती छूटनी नहीं चाहिए भैया, अगर एक भी छूट गया तो गलत हो जाएगा, कोई भी गिनती नहीं छूटनी चाहिए। वहाँ पे 44 लिखा था लास्ट में, आपको क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब देखो आपको और अच्छा दिख रहा होगा, थोड़ा क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे देखो 4040 और उसके पहले 44, फिर से जोड़ो एक बार, देखो नंबर एक छूट गया था। अब देखो 0 को 4 में जोड़ो, 4 ही रहेगा, 4 5 9 9 5 भाई 9 1 10 4 14 14 8 14 26 2 22 22 2 24 24 8 24 36 2 32 32 में 0 जोड़ोगे वही रहेगा, 32 2 34 और 34 में 6 जोड़ोगे 34 6 40 का 0 हासिल कितना आएगा भाई, 34 40 में 0 लिखोगे तो हासिल 4 आ जाएगा। अब हाफिल जो 4 आया उसको अगली लाइन में हमें जोड़ना, सबसे पहले हमने सभी गिनती का लास्ट डिजिट जोड़ लिया, अब पहला डिजिट जोड़ेंगे सब में। चलो इसमें का 4 ये 48 और लेकिन हासिल जो आया था इसको पहले जोड़ लो। चलो इसमें 4 में जोड़ लिया तो 8 हो गया, 8 4 12 12 4 16 16 4 20 4 24 5 24 5 29 29 1 30 2 32 32 में 4 जोड़ो, 32 4 36 4 36 4 40 और 5 45, ये आपको जोड़ने का तरीका मालूम हो जाना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़वा जाओगे आप। और ये जोड़ोगे तो इतना आएगा, इसको भाग दे लोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 45 इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम कर लेते हैं समांतर माध्य, जो बड़ी हुई संख्याएं दी होती हैं। अब इसमें एक अलग टाइप का होता है जिसमें बारंबारता दी गई होती है, उसमें कैसे करते हैं वो भी देख लो ध्यान से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ना। ये पहले सब लिख लेना फिर जोड़ लेना, एक बार देख लो, एक नज़र में देख लो समांतर माध्य बराबर कैसे लिखा गया है, कैसे क्या किया गया है। सवाल तो मैंने शुरू में बोल दिया था, आपने सुनी लिया था, समांतर माध्य बराबर कुल पदों को जोड़ लो, नीचे जितने पद दिए गए उनसे भाग दे दो, 10 पद था तो 10 से भाग दे दिया, लास्ट में उत्तर आ गया, छोटा सा था। अब देखिए इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, समांतर माध्य इसमें भी निकालना है लेकिन जब बारंबारता दी गई हो, मतलब यहाँ पे सीधा फीधा नहीं दिया गया है कि 10 बच्चे दिए गए समांतर माध्य निकालो फटाफट जोड़ दो भाग दे दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा अलग है, इसमें आपको भार दिए गए हैं, ये छात्रों की संख्या दी गई है जो कि मुख्य रूप से दिया गया वो आपका एक्स का मान होता है और ये बारंबारता होती है, यानी जिसे आप स्मॉल एफ से लिखते हो। इस तरह के सवाल हल करने के लिए आप क्या करोगे बच्चा, इसमें आपको कुछ स्टेप पालन करना होता है, जिसके लिए आप पहले 3 कालम बनाओगे,
तीन कालम आप ऐसे बनाओगे अच्छा से शांति से, जिसमें आप सबसे पहले में लिखोगे भार, जो भी भार दिया गया है केजी में, हाँ इसे आप यक्स से लिखोगे, मतलब यक्स से प्रदर्शित करोगे। इधर साइड में आप लिखोगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, या फिर इसे आप बारंबारता भी लिख सकते हो, हाँ इसमें इसे स्मॉल एफ से दिखाओगे, ये बारंबारता है। मतलब इधर साइड में क्या होता है आपका भार गुणे बारंबारता होता है, भार गुणे बारंबारता। अब आप बारंबारता समझ रहे हो क्या है, जो बारंबारता का मतलब संख्या कितनी है। जैसे देखो भार 30 किलो के कितने छात्र हैं भाई, 30 किलो के छात्र 6 हैं, 31 किलो के कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं जिनका वजन 31 किलो है। तो बारंबारता का मतलब ये, मतलब नंबर कितना है वो बारंबारता है। कहीं भी देखना अगर इस तरह से कुछ भी चीज़ दिया है तो बारंबारता क्या होगी, जो नंबर दिया होगा वो बारंबारता है, और मुख्य रूप से भार दिया होगा या यहाँ पे कुछ भी और चीज़ें दी होंगी तो वो मुख्य मान होगा आपका, एक प्रकार से जिसे यक्ष से लिखोगे हो। हर जगह भार ही नहीं दिया होगा, हो सकता है कुछ और दिया हो, लेकिन हाँ संख्या हर जगह दी होगी कितने हैं, हाँ तो ठीक है। तो ये भार गुणे बारंबारता होता है, जिससे आप शॉर्टकट में बच्चा लिख सकते हो यफ गुणे यक्ष, या फिर यक्ष गुणे यफ, कैसे बनाते हैं आपकी बुक में, पहले यक्ष करोगे फिर यफ, ये चीज़। हाँ चलो भार हम ले लेते हैं, पहला 30 है, छात्रों की संख्या 30 में कितना है 6 है, तो भार गुणे बारंबारता, भाई भार गुणे बारंबारता 30 गुणा 6, 6 × 3 = 18, इसे करो 180। दूसरे पे आ जाओ फटाफट, 31 ले लो, भार कितना है 31, बारंबारता कितनी है 10, गुणा कर लो बाबू इसका, तो 31 का 10 में गुणा करो 310। अगले पे आ जाओ 32, दिख तो रहा ना अच्छे से, बारंबारता 32 में मतलब 32 किलो के 15 छात्र हैं, अब 32 का 15 में गुणा करो, मल्टीपल आपको करना आता है इसमें तो कोई मुसीबत है नहीं, 15 दूना 30, हाँ फिलहाल कितना 3, और 15 तिया 45, 45 3 48, 480 आया भाई, जोड़ घटाना तो आना चाहिए तभी आएगा, नहीं कुछ ना आएगा। अगला है 33, 33 किलो के जो है 10 छात्र हैं, तो इनको भी गुणा कर लो भैया, चलो बराबर हो गया 330। अगला 34, 34 किलो के सिर्फ 9 छात्र हैं, गुणा कर लो 34 का 9 में, देखो आपकी कहानी बन गई, 9 चौक 36, किच्छा हाँसी लाया 3, और 9 त्रिक 27, 3 30, ये होएगा 306। अब हो गया काम ख़त्म, अब क्या करोगे, इन भारों से तो हमें कोई मतलब नहीं है, इनमें हम लिखेंगे ये टोटल जोड़ेंगे तो इनका योग का चिन्ह होता है सिग्मा, आप लिखोगे सिग्मा एफ, सबको जोड़ लो कितना आएगा मुझे बता देना, 10 × 6 = 16, और 15 × 16 = 31, 31 × 10 = 41, 41 × 9 = 50, कितना आएगा भैया ये 50 आएगा, देखो जोड़ के देखो फिर बताओ। इसे क्या लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स, अभी मैं आगे से हट रहा हूँ, एफ एक्स, इनको जोड़ो क्योंकि मैं नहीं जोड़ने वाला हूँ, मैं बहुत बार बताया हूँ आपको जोड़ना घटाना सिखाया हूँ, अब आप बुढ़े हो गए हो सीखते सीखते, अब खुद से करो। चलो देखो कैसे आएगा बता ही देता हूँ, बहुत लोग नाराज हो रहे होंगे, वैसे ये सभी 3-3 अंक के हैं अगर ध्यान दो तो, सब में 3 अंक हैं, तो पहले लास्ट डिजिट पकड़ पकड़ के जोड़ लो, इसमें 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 6 है, सब में 0 0 है, तो 0 में 6 जोड़ोगे तो 6 ही रहेगा, इसलिए 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, उठपटांग नहीं, कोई हासिल वासिल नहीं आया इसमें, आगे ना इतना पीछे पगा कुछ नहीं है, अकेला है। दूसरा अंक जोड़ो भाई, दूसरा जोड़ो सब में का दूसरा अंक, इसमें का दूसरा अंक 8 है, इसमें का 1 है, इसमें का 8 है, इसमें का 3 है, इसमें का दूसरा अंक 0 है, 8 × 1 = 9, 9 × 8 = 17, 17 × 3 = 20, और 20 में 0 जोड़ो तो 0 ही रहेगा, मतलब 20 का 0, हासिल अब की बार आया 2, याद रखना 2 को सबसे पहले जोड़ दो, इसमें 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 4 × 10 = 13, 13 × 13 = 16, कितना आया भैया ये 1606 आया। अब आपके पास बहुत कुछ मिल गया, अब आप इनका समांतर माध्य लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इधर साइड में देखो, मैं थोड़ा सा जगह दिखा रहा हूँ आपको, इतने में काम चला लेना, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, हाँ चलो लिखो नहीं तो वहाँ दिख जाएगा और कुछ। आप क्या लिखोगे, लिखो आगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, ये फार्मूला होता है प्रोफेशनल तरीके से लिखते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, लिख लो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, तो भैया सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 1606 और इसका मान आया था 50, अरे यही छुटका हुआ जो 50 आया था, यही काट पीट लो, इनको हल कर लो। अब मैं इसको भी करना बताऊं तो हद की बात है यार, अब मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं देख लेता हूं बुक में कितना दिया उतना लिख देता हूं, तुम लोग भाग दे लेना।
फिर कहोगे यार ये कौन सी बात है नकल कर रहे हो। देखो इसको आपको भाग देना है 50 से। चलो मैं भाग दे के भी दिखा ले रहा हूँ, अगर आपको इतनी बड़ी मुसीबत है तो ये लो देख लो, सब कुछ कर देता हूँ। 1606, आपको पता है 50 का भाग 160 में कितनी बार जाएगा? आप सभी जानते हो 50 की यहीं 150 होता है, तो 150 कर लो, घटाओगे क्या आएगा 10 आएगा, ऊपर से 6 उतार लो, दुई बार जाएगा 50 दूना 100, घटाओगे 6 आएगा, ऊपर 10 हम लोग बढ़ा लो बच्चा 0 उतार लो, 50 से कम कितना जाएगा 50, फिर घटाने पर 10 आ जाएगा और फिर 2। अब मैंने भाग भी कर लिया, अब ये मत कहना कि मैंने भाग नहीं किया। 32.12 आएगा इसका समांतर माध्य। मैंने हर चीज़ करके आपको दिखाया है, कोई चीज़ आपसे छुपाया नहीं है। और मैं बोल रहा था वैसे झूठी की किताब से देख के लिख लूँ, लेकिन मैंने लिखा नहीं। हाँ मैं चाहता तो चीटिंग कर लेता, लेकिन अगर मैं खुद ही चीटिंग करूँगा तो आप लोग खुद ही चीटिंग करने लगोगे, फिर मामला तो सारा गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए किताब के चीटिंग और आंसर के भरोसे मत बैठो, कैलकुलेटर मोबाइल के भरोसे मत बैठो। कुछ बच्चे क्या करते हैं पढ़ते टाइम ना, ये सारी प्रक्रिया वो कैलकुलेटर से बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। लेकिन बच्चा भैया ये मत सोचो कि एग्ज़ाम में आप CA और वो जो अकाउंट वाले स्टूडेंट होते हैं वो नहीं हो कि आपको कैलकुलेटर एग्ज़ाम में मिलेगा। कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में आपके माइंड का कैलकुलेटर लगेगा। अगर यहाँ पे जोड़े घटाए नहीं रहोगे तो अटक जाओगे। ये अगर आपने एक भी अक्षर मिस्टेक किया, 50 की जगह 48 आया, 49 आया, सारा सत्यानाश हुआ। यहाँ पे एक अक्षर गलत कर दिया, 1606 की जगह पे 1506 कर दिया, सब गलत हुआ। तो ये चीज़ याद रखना, जोड़ना घटाने में कहीं भी एक भी अक्षर की चूक ना होने पाए। इसके लिए आपको इनको सवाल को बार बार करना होगा, बना बना के करना होगा। एक सवाल मैं इसमें बना दे रहा हूँ, चलो झटाझट इनको लिख लो और खुद से ट्राई करना। इसी सवाल में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, आप करना। चलो मान लो मैं बच्चों की संख्या कम कर देता हूँ, भाई 32 किलो के बच्चे जो हैं, हाँ इन बच्चों की संख्या कम हो गई, ये 12 हो गए। लेकिन जो 34 किलो के बच्चे थे, थोड़ा खाए पिए और लड़ाई झगड़ा करके इधर उधर से मोटा गए, भैया 15 हो गए। चलो अब देखो क्या हुआ, ये 8 बच्चे हो गए। अब इनका आप समांतर माध्य बताना हमें। कुछ लोगों के मन में होगा कि भैया ये आप नीचे वाला तो बदले हैं, हम इसको तो बदल लेंगे, लेकिन ये बड़ा वाला झमेला कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये 1606 ही रहेगा। जबकि ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मैंने जब ये बदल दिया तो ये जो उत्तर आया है इसका गुणा करके आया था भाई, 6 का गुणा किया था 30 में तो 180 आया था। इसलिए आपको ये सब पूरा फिर से करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि ये 1606 ही रहेगा, ये भी बदलेगा। हाँ खुद से करना और बताना, जल्दी लिखो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। इसमें मैं एक सवाल और बना रहा हूँ, वो भी हो गया। देखो मुझे लिखना ना पड़े और आपको 3-4 सवाल मिल जाएँ, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, है ना? क्योंकि मुझे इतना लिखने में ना बहुत अच्छा नहीं लगता, बस मजबूरी में लिख देता हूँ आपके लिए। हो गया, लिख लिए। हाँ कितनी देर लगेगा, मैंने नंबर में थोड़ी सी चेंजिंग किया है इतना बड़ा का बस। चलो अगला सवाल, 30 यहाँ पे 4 लिखो भैया, इनको 30 बनाओ, इनको ना सबसे हाई कर दो 36, और इनको ना थोड़ा मरीज टाइप का बना दो। कुछ बच्चे 25 किलो के आ गए क्योंकि जानते हो कोरोना और लॉकडाउन में बच्चे गरीबी में चले गए, अब इनको करना। ये आपका अगला एक सवाल और बन गया। सवाल अलग अलग बन रहे हैं, याद रखना। मैंने एक भी नंबर अगर कहीं से बदल दिया इसमें से, जो नंबर दिए हैं, तो सारा सिस्टम बदल जाएगा, पूरा सवाल बदल जाएगा, उत्तर बदल जाएगा। एक भी अक्षर बदल दिया बस, तो इसलिए मैंने क्या किया, कई बदला है। इनको करना, एक सवाल और बना लो इसी में। इनको भैया 28 कर लो, अब एक सवाल और बदल गया। चलो एक और बन गया। इस तरह से आपके 3-4 सवाल बन जाएंगे इसी पे। अगर आप इनको करोगे ईमानदारी से तो आपका अभ्यास हो जाएगा इसमें, अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा 3-4 सवाल में। लेकिन कैलकुलेटर मत यूज करना अगर पास होना है अच्छे नंबर से तो। एक भी चीज़ के लिए कैलकुलेटर मत यूज करना कि भाग दे लूँ कैलकुलेटर से, इसको जोड़ लूँ कैलकुलेटर से, फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, परीक्षा में कैलकुलेटर ले जाने को मिलेगा नहीं, फेल होके आ जाओगे मुँह लटका के, इसे तुर्री जैसे मुँह बनाओगे फिर, ठीक ना? तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा मत करना भैया। चलो ठीक है, आगे चलें। हो गई ना ये कहानी पूरी, चलो नोट कर लो इसको। अच्छा एक बात बताओ, आज हम थोड़ा वीडियो रोकेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो जाने तो बड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, पूरी बातचीत भी हो जाएगी आप लोग से। आप लोगों ने बहुलक सुना होगा और एक माध्यिका सुना होगा जिसे मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मीडियन का वीडियो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा, मतलब एक नेक्स्ट क्लास में। मैंने मीडियन पढ़ाया, सिर्फ मीडियन मोड पढ़ाया है। तो देखो मोड क्या होता है, मैं उसी के बारे में यहाँ बात करूँगा। मोड को बोलते हैं बहुलक। बहुलक मतलब आप जानते हो, जैसे भारत में सरकार बनती किसकी, जिसको बहुमत मिलता है। इसको तो आपने जाना ही होगा, सुना ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 2 दशक से जो है, मतलब क्या कहते हैं उसे,
दो लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को जो है तगड़ा झटका दे रहे हैं, तो उसी तरह से बहुलक की भी कुछ ऐसी कंडीशन है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले लिख लो फिर मैं बुक में देखता हूँ क्या इनकी हालचाल है, फिर बताता हूँ। देखो बहुलक नाम में ही इसके कुछ छुपा है, बहुलक शायद इसको मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मोड बोलते हैं। बहुलक का मतलब होता है बहुलक, मतलब एक से अधिक बार जो लक, आपने सुना होगा लक चांस ना, तो इसके चांस ढेर सारे होते हैं। देखो बहुलक का मतलब वही हुआ जो, जैसे देखो एक आंकड़ा दिया आपको यहाँ पे, पहले ध्यान से आप लिखो, मैं बुक वाला ही दे देता हूँ चाहे अपने से दे दूँ, मतलब समझना। 19, 9, 12, 7, 12, 8, 9, 12। चलो इसमें अगर मुझे बात करना हो कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, आप ध्यान से देखो, 10 सिर्फ एक बार है, ये कितनी बार है बच्चा, सिर्फ एक बार है। 12 की बात करो, देखो 1, 2, 3, 4 बार है, ये कितनी बार है, 4 बार है। 19 की बात करो, सिर्फ एक बार है, बेचारा अकेला है, जोड़ी भी नहीं है इसकी कोई। आगे 9 की बात करो, 9 तो दो बार हो गया भाई, जोड़ी तो है इसकी। 12 की बात करो, 12 की बात हो ही गई है, 7 ये भी बेचारा अकेला है, इसके भी आगे पीछे कोई नहीं है। और ये 8 ये भी क्या है, अकेला सिंगल है। देखो सब सिंगल सिंगल हैं, ये बेचारे डबल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने तो कमाल कर दिया, ये डबल के भी डबल हो गए, 4 हो गए। तो यही क्या है, बहुलक है। आप समझ गए, बहुलक समझ गए, मतलब जिनकी अधिकता होती है वही बहुलक होते हैं। आपकी किताब में लिखा गया है बहुत सुंदर, कह रहा कि दिए गए आंकड़ों में, आंकड़ा मतलब डेटा, सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो पद है बहुलक जो किसी संख्या की सारणी में सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो, बहुलक कहलाता है। कितना आसान है, कभी भूलने वाली चांस ही नहीं आएगी इसमें। हाँ देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी आंकड़े बारंबारता वाले दिए होते हैं तब मुसीबत हो जाती है, लेकिन उसमें कोई मुसीबत की बात नहीं, उसमें भी आपको समझना होता है। देखो मैं लिख रहा हूँ इधर साइड में, आप ध्यान से देखो गौर से, देखिए कुछ नया तरीके से है। अगर इन आंकड़ों में बहुलक पूछा जाए तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे कि भैया इसमें क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ी मुसीबत वाला सवाल है, इसमें तो सीधा फीधा दिया नहीं कौन सी गिनती ज़्यादा बार है, इसमें तो दो दो लाइन दी गई है, अब इसमें हम कौन से देखें, एक का देखें कि एक का देखें। बहुलक मतलब मैंने आपको बताया था नंबर आप देखोगे ज़्यादा किसमें है ना, इसका पहले मतलब समझ लो, ये बारंबारता है, ये आंकड़े हैं, इसका मतलब समझ लो। जैसे अगर मैंने आपको पिछली क्लास में भार के बारे में बताया था, अभी आपने देखा था, वही मान लो ले लो, तो भैया ये क्या है आंकड़े, मतलब ये भार है, क्या है वजन है, और ये मान लो क्या है भैया वजन में, अब हम लड़के का ही वजन बार बार क्यों करें, मान लो कोई चीज़ और दूसरा है, ये लड़का तो 1 किलो का होगा नहीं, पैदा होता तब भी शायद 1 किलो ज़्यादा का होता है, ऐसे कुछ है ना। चलो देखो तो इसमें मान लेते हैं हम क्या मान लें, 1 kg में या फिर 1 में क्या मान लें, चलो मान लेते हैं आपका मोबाइल फ़ोन है, अब कहोगे क्या 2-2 किलो 1-1 किलो का मोबाइल होगा, अरे हो या ना हो हमसे इससे नहीं मतलब है, हमने मान लिया मोबाइल फ़ोन है, मतलब 1 किलो का 105 मोबाइल है और 3 किलो का 110 मोबाइल है। भैया 3-3 किलो का मोबाइल आएगा तो फिर हम लोग जेब में लेके नहीं चलेंगे, उसके लिए एक बगल में गाड़ी लगाएंगे मोबाइल वाली, हाँ लेकिन यहाँ मतलब समझो, मैं समझना क्या है, 4 किलो की 115 है, 120 किलो की एक है, 1 किलो की 120 है और फिर 2 किलो की 125 है, ये आंकड़े दिए गए हैं। इसमें आपको देखना नंबर सबसे ज़्यादा किसमें है भाई, सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन से है, ये है 4 ना, यहाँ आप लिखोगे, आप लिखोगे क्या, लिखो, चूंकि आंकड़े 115 की बारंबारता सबसे अधिक है, चूंकि आंकड़े 115 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक लिख लो, अधिक है नहीं, सबसे अधिक 4 है, आंकड़े 115 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है, अतः बहुलक बराबर 4 होगा, अतः बहुलक बराबर 4 होगा। तो भैया ये था बहुलक, जब सीधी सीधी संख्या दी गई हो तो आप लिख लोगे, अगर नंबर आपको इस तरह से दिया गया है बारंबारता में तो ऐसे समझ लोगे, मतलब आप हमेशा संख्या देखना, ये मत तुलना करना ऊपर वाले की 145 सबसे ज़्यादा है, नहीं,
सबसे ज्यादा ये चार बार है, ये चार बार है। देखो गिनती देख रहे हैं ना, नंबर बड़ा छोटा नहीं मतलब है, ये चीज समझो, ये चार मतलब सबसे ज्यादा है। तो ये समझ लो कि जो बारंबारता वाले होंगे उनमें आप दिए गए नंबर आप काउंट करोगे, और जो सीधा फीधा होगा उसमें आप देखोगे कौन ज्यादा बार है। बस तो उम्मीद करते हैं आपका ये क्लियर हो गया, चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया। बारंबारता यानी मीड, क्या बोलते हैं इसे, मोड, मीडियन और मीन।